स्वागत आपका एक और फिर से आप ही के YouTube चैनल में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई डिफेंस शेयरों को लेकर। जैसा कि आप लोग देखोगे कोचिंग शिपयार्ड है, गार्डन शिप बिल्डर्स है, मजगांव डॉक है, आज हमें इन शेयरों में काफ़ी शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। कोचिंग शिपयार्ड लगभग 3% के करीब भागा है, तो वहीं गार्डन शिप बिल्डर्स में 2.5% के करीब की तेजी, 2% के करीब मजगांव डॉक में तेजी बनते हुए नजर आई है। तो आप लोग देखोगे जैसे मार्केट में एक्शन बना, मार्केट में जबरदस्त तेजी बनी, तो डिफेंस शेयरों में भी एक अच्छा उछाल हमें देखने को मिला है। और यही 3 स्टॉक नहीं है जो चले हैं, आप लोग देखोगे बेल है, HCL है, BDL है, उन शेयरों में भी जबरदस्त एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी यहाँ से आप लोग देखोगे भी थोड़े बहुत जो पॉजिटिव मूवमेंट है वो इन शेयरों में आने स्टार्ट हो चुके हैं। बड़ी गिरावट के बाद अब इन शेयरों में रिकवरी की एक बू आते हुए नजर आ रही है। तो अब यहाँ से जो है इन शेयरों में एक अच्छी रिकवरी आ सकती है। और इसी के साथ आप लोग देखोगे भी बेल जैसे स्टॉक्स हैं या फिर आप लोग मजगांव जैसे स्टॉक्स हैं, इनके ऊपर अब बाय रेटिंग भी आना स्टार्ट हो चुकी है, यानी ब्रोकरेज की तरफ से कवरेज करना स्टार्ट हो चुका है इन शेयरों को। अब अगर बात करें मजगांव डॉक की, तो मजगांव डॉक को लेकर ऊपर में 4700 रुपये तक के टारगेट्स के लिए बताया जा रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी डाटा वगैरह कहां पर किसने बोला है। और वहीं आप लोगों को कोचिंग शिपयार्ड कल एक बड़े एक्शन की तैयारी में रहेगा, एक बड़ा एक्शन स्टॉक में बनने वाला कल के दिन। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वन बाय वन करके क्या खबरें हैं और कल क्यों कोचिंग शिपयार्ड रहेगा बड़े एक्शन में। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखोगे भी जी बिजनेस हिंदी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको ये अपडेट देखने को मिल जाएगी। और ये खबर हमें आज 6 तारीख को देखने को मिली है, भागने वाले दो दमदार डिफेंस पीएसयू स्टॉक पोजिशनल इन्वेस्टर्स के लिए कमाई का शानदार मौका, यानी जो पोजिशन बनाकर चल रहे हैं उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी दो स्टॉक कौन से, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स हो गया ये, और इसके साथ साथ आप लोग देखोगे भी जो बेल है उसका यहाँ पर जिक्र किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी स्टॉक में एक बड़ा एक्शन बन सकता है, ऊपर में निफ्टी में भी शानदार एक्शन आ रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जो मजगांव डॉक है और दूसरा रहेगा भारती इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। टारगेट्स की अगर मैं बात करूं तो भारती इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के जो टारगेट्स बताए जा रहे हैं ऊपर में 315 रुपये, 341 रुपये, तो ये टारगेट हमें स्टॉक ऊपर में दिखा सकता है। और ये काफ़ी अच्छी बात है, अभी स्टॉक अभी के टाइम नीचे में ही है 300 के आसपास ही, और रिवर्सल भी आ चुका है अभी इन शेयरों में। अब दूसरा मजगांव डॉक है, और मजगांव डॉक में जो यहाँ से टारगेट्स के ऊपर में संभावनाएँ बन रही है वो लगभग 4799 पहला रहेगा, 4549, दूसरा रहेगा 4799। तो ये टारगेट दिए जा रहे हैं भाई, आप लोग इसे एक बार अगर पढ़ना चाहो तो वीडियो को पॉज करके डिटेल में पढ़ भी लेना, ठीक है। जी बिजनेस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हमें ये न्यूज़ देखने को मिल रही है। और अब यहाँ पर आप लोग देखो कोचिंग शिपयार्ड क्यों एक्शन में रहेगा, कल के दिन एक्शन में रहेगा बिकॉज ये 50% के ऊपर में गिर चुका है स्टॉक, और कल इसके आने वाले हैं रिजल्ट्स, और साथ में कंपनी इंटरम डिविडेंड का भी ऐलान करेगी और फंड रेजिंग को लेकर भी अपडेट देने वाली है। तो कल 3 बड़ी खबरें आ रही हैं और इन खबरों के दम पर स्टॉक में बड़ा एक्शन बन सकता है। हाल ही में मजगांव डॉक के रिजल्ट आए हैं, जबरदस्त आए हैं, अभी बेल के भी रिजल्ट जबरदस्त आए हैं, और अब यहाँ से आप लोग देखो कोचिंग शिपयार्ड के रिजल्ट कल आने जा रहे हैं। तो उम्मीद यहाँ पर भी बिल्कुल पॉजिटिव, अच्छे रिजल्ट आएंगे और उसका जो इंपैक्ट है वो बिल्कुल पॉजिटिव हमें देखने को मिल सकता है। हाल ही में कंपनी ने पीछे बताया था कि ये जो ना अभी 20 सितंबर को ASM की 4th स्टेज में एक्टिव हुई थी, उसके कारण भी इसके ऊपर दबाव हमें देखने को मिला था भाई। तो अब यहाँ से रिवर्सल के संकेत ज़्यादा है, और स्टॉक आप लोग देखोगे 54% तक क्रैश हो चुका था ये, और वहाँ से स्टॉक में काफ़ी अच्छी रिकवरी आई है, और अभी के टाइम ये 49% के आसपास, 48% के आसपास अभी भी गिरावट में है। तो चलिए एक बार चार्ट देखते हैं इनका। तो यहाँ पर देखोगे कोचिंग शिपयार्ड में पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट हो रही थी भाई, ठीक है, और इस गिरावट के बाद अभी के टाइम जो ये स्टॉक है नवंबर में आकर रिकवरी के संकेत दिखा रहा है। तो यहाँ से ब्रेकआउट बना है ट्रेंड लाइन का, और देखो भाई जिसको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना उनके लिए 1366 का स्टॉप लॉस नीचे में ठीक है, और उसके बाद जो अगला सपोर्ट रहेगा वो 1167 रुपये का, ये 2 सपोर्ट है। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि स्टॉक अभी यहाँ से कोई बड़ी और बड़ी गिरावट देगा, अगर ऐसा होता भी है तो आप लोग देखोगे मार्केट में कोई बड़ी क्रैक्शन बने उस कंडीशन में, बट यहाँ से अब रिवर्सल के संकेत ज़्यादा है। 1500 रुपये, 1550 को ब्रेक करके अगर ये सस्टेन किया तो पहला टारगेट 2041 का हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है इसके अंदर, और कल रिजल्ट अच्छा है उस कंडीशन में आएंगे भी 2000 रुपये के टारगेट। ऐसा नहीं है कल ये जो स्टॉक है एक बार 1550 के ऊपर में आए फिर आप लोग लग जाओ इसके अंदर पैसा घुसाने के लिए। तो यहाँ पर कल का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कल रिजल्ट आ रही है इसलिए जो भी अपना स्टॉप लॉस वगैरह वो उसके ऊपर काम करना भी कल, तो ठीक है चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। तो अब यहाँ से मजगांव डॉक में एक जबरदस्त रिवर्सल बनने वाला है, और ऊपर में जो स्टॉक का पहला टारगेट हमें 4500 का दिखाएगा, अभी 4500 जो इसका 100 MA है इसे ब्रेक करके सस्टेन किया तो ये स्टॉक 5152 तक जाएगा भाई,
ठीक है 4700 नहीं, अगर ये 4500 के ऊपर में निकला तो 5152 तक ये स्टॉक डेफिनेटली निकलेगा फिर तो। ठीक है, तो अगले स्टॉक और देखते हैं। अगला रहेगा हमारा जीआरएससी में भी आप लोगों देखोगे अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली है। अभी भी जो स्टॉक है अपने ट्रेंड लाइन के ऊपर में आया हुआ, सबसे अच्छी बात तो यह नीचे में सपोर्ट 1450 का रहेगा अभी। ठीक है, 1450 1500 इन दोनों में से जो आपको सही लगे वो सपोर्ट आगे के लिए आप लोग पकड़ के चलिए। और यहाँ से इसके जो रिजल्ट है वो 13 तारीख को आने वाले आई थिंक, और रिजल्ट अच्छे आने की संभावना यहाँ पर भी है क्योंकि डिफेंस शेयरों के रिजल्ट अब तक ठीक ही आए हैं। ठीक है, तो यहाँ से शेयर में भी रिवर्सल बन सकता है, डबल बॉटम का पैटर्न यहाँ पर ये क्रिएट कर सकते हैं और ऊपर में आप लोग देखोगे भी 2000 रुपए के आसपास के मूव इस शेयर में बन सकते हैं अगर मार्केट में रिवर्सल आता है और ये जो अदर डिफेंस स्टॉक से ये चलते हैं उसके साथ साथ ये स्टॉक भी चल सकता है भाई। नीचे में जिसको रिस्क नहीं लेना ज्यादा 1450 का सपोर्ट या फिर थोड़ा बहुत और यहां पर आप लोग लेना चाहते हो तो ये 1496 का भी सपोर्ट है। आगे आपकी मर्जी, आप किस प्रकार से क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हो। तो यहाँ से स्टॉक में पहला जो टारगेट आने की संभावना है वो रहेगा भी 1800 का, उसके बाद 2000 प्लस के मूवमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।